बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। डियर व्यूअर्स, आज हम अपना टॉपिक होमोग्राफ को देखेंगे। होमोग्राफ उन अल्फाज को कहते हैं जो लिखने में एक जैसे स्पेलिंग रखते हैं लेकिन उनको बाज़ औक़ात डिफरेंट अंदाज से पढ़ा भी जाता है और उनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं। जैसे ये देखिए RESIGN और RESIGN, ये दोनों अल्फाज लिखने में सेम है बट पहले लफ्ज को हम रिजाइन, आई एम गोइंग टू रिजाइन माई जॉब, और दूसरे को हम रीसाइन, दोबारा दस्तखत कर दीजिए, प्लीज रीसाइन दिस पेपर। सो आपने देखा कि स्पेलिंग सेम है बट यू नो द मीनिंग आर डिफरेंट। इसी तरह पहला वर्ड है विंड, हवा को कहते हैं, द कूल विंड इज ब्लोइंग, और दूसरा जो है स्पेलिंग वही है लेकिन इसको हम वाइंड पढ़ेंगे, जैसे हम कह सकते हैं प्लीज वाइंड अप योर वर्क, ड्राइव में पढ़िए, अपने काम को फिनिश करें। तीसरा वर्ड लीड, LEAD, लीड, स्पेलिंग जो है देखें, आई एम गोइंग टू लीड दिस टीम, आई एम गोइंग टू लीड दिस टीम, और दूसरा वर्ड जो है LEAD, लीड, इसको हम लेड पढ़ते हैं, सीसा। सो वी सॉ लेड इज इन द यू कैन से पेंसिल, गिव मी द लेड पेंसिल, उस लेड के शीशे के जो के एक धात है उसके स्पेलिंग LEAD। सो वो वर्ड्स जिनके स्पेलिंग सेम हो लेकिन उनको डिफरेंट तरीके से बोला जाए और बिलखसूस उनके मीनिंग डिफरेंट हो, दे आर कॉल्ड होमोग्राफ्स। सो ये होमोग्राफ कहलाते हैं। आई होप यू हैव कन्विंस, आपको समझ आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड द पीपल यू अराउंड। अल्लाह हाफिज़।